भूसे के 600 रुपए मांगने पर युवक पर कट्टे से फायर, मारपीट भी की। मोहती थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमहेरा में एक युवक को अपने भूसे के 600 रुपए मांगना महंगा पड़ गया। यहां रुपए मांगने पर मारपीट कर दी और कट्टे से फायर भी किया। घटना में युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं घायल के परिजनों ने भौती पुलिस पर रिपोर्ट न लिखने के आरोप लगाए हैं। आज मंगलवार को जनसुनवाई में आकर फरियादी ने अपनी फरियाद सुनाई। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मेरा रामचंद्र। कौन से गांव से आए हो? आज पीछे बमहेरा से। क्या परेशानी है, कैसी आई? परेशानी है कि हमारे छोटे भाई मन्ना लाल को मारा है। किसने मारा है? पहला पापा नवाजा, हाँ। इसके बाद में महिला सुरेंद्र नवाजा और फिर पांच कट्टा दाव सुरेंद्र। सुरेंद्र ने आने के धोखे से घर से उठा कर दौड़ के लिया, आने के दाव तो माथे में निकलो सुबह ऐसी गुदी कर ले, ऐसी नेची मुड़ कर लई, सुबह मुड़ में घर लगाई। कहां है घायल? कहां है? कहां घायल है? जो है नहीं, घायल का अस्पताल में भर्ती है। भर्ती है। किस बात को लेकर हुआ था विवाद? उसके कहां जगह से पैसे ले लिए मांगे? 600 रुपए ये मांगे उसके। अरे बन के ले लो यार भाई। क्रांति, पूरा नाम क्या है? क्या क्या बात है? क्या परेशानी? क्या माँ बाप की गाड़ी देखे? क्रांति नाम है। हम चाचा को मारा है साहब, पवन के भैया ने, महेंद्र ने, सुरेंद्र ने, सुरेंद्र ने कट्टा मारा है ना, माथी पे घाला है ना, ऐसे मुंड कर ले, तो ऐसे न कर दो। किस बात को लेके मारपीट की है? किस बात को लेके मारपीट की है? उस पे और 500-600 रुपया लेने थे, उसके मांगे सुबह नहीं पे मारे, कट्टे काय के लाने दे, तो मताई बहनन की गाड़ी नहीं, और वो थाने में आए, सो थाने में वो पहला गाओ, और हमारी कोई सुनाई नहीं भाई साहब, हमारी कोई सुनाई नहीं है। और हमारे लाने एक बार मारपीट करी थी, और जब तीसरी बार हमारे पापा में गाड़ी दबा दी थी पवन ने, सो पवन हमारे पापा खत्म हो गए, जब हमारी कोई सुनाई नहीं भाई थी। अभी पवन की बहंगन ने, पवन की बड़ी बहू, मंझली बहू और संजली छोटी बहू गई थी, थाने गए थे। क्या गई? सब जा कह रहे थे हमारी मशीन खराब है, तो थाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी आपकी? नहीं। और हमें बन नहीं देना रिपोर्ट है। कौन से थाने गई थी? कौन से थाने? भौती थाने। कब की बात है ये? कल 4 बजे की बात। जो घायल है वो कहाँ है अभी? अस्पताल में भर्ती है साहब, अस्पताल में।